फ्रेंड्स, माय नेम इज पैजाकर। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 4। आइए स्टार्ट करते हैं। सो देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, एन आइसोसेल ट्रायंगल व्हिच बेस इज 8 सेंटीमीटर एंड एटूड 4 सेंटीमीटर एंड देन अदर ट्रायंगल व्हिच साइड आर 1/2 टाइम द क्रॉसबॉन्डिंग साइड ऑफ द आइसोसेल ट्रायंगल। मींस देखिए, एक मींस ये हमारे पास कितनी है, 8 सेंटीमीटर की लाइन है। ओके, जो उसको एल्टीट्यूड है, मीन्स हम यहाँ से कोई भी एक लाइन लेके एरो बनाएंगे, यहाँ पे बनाएंगे, फिर यहाँ पे कंपास रख के ओपन करके पूरा यहाँ पे तो जो पॉइंट होगा हम स्केल से मेजर करके उसको कितने मीटर की बनाएंगे, 4 सेंटीमीटर। जैसे कि 4 यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है, जो एल्टीट्यूड है वो 4 सेंटीमीटर है, इसको 4 सेंटीमीटर दे देंगे। फिर इस पॉइंट से इसको अटैच कर देंगे, इस पॉइंट से इसको अटैच कर देंगे, सेम कंडीशन नीचे करेंगे, यहाँ से इसको अटैच कर देंगे, यहाँ से इसको अटैच कर देंगे। ओके, फिर इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे, क्यों, क्योंकि हमारे पास ये जो 1 1 ये है, 2 1 2 होगा और 1 3/2 हो जाएगा ये। ओके, तो 3 बनाएंगे, यहाँ से हमने कंपास रखा, यहाँ पे A1 आ गया, यहाँ पे रखा A2 आ गया और यहाँ पे रखा A3 आ गया। ओके, ये हो गया। अब हमारे पास 3 2 है, पहले 2 पे बनाएंगे, 2 पे बनाएंगे, तो 2 पे कैसे बनाएंगे, जो उससे मैच हो, मीन्स 2 पे जो लाइन होगी वो एकदम उसके इक्वल होगी। ओके, कैसे बनाएंगे, देखिए एक एंगल बनेगा इसके पैरेलल, लास्ट चाहिए तो 3 का बनाएंगे हम, इसको आगे कर देते हैं और इसको आगे कर देते हैं। ओके, अब हम जो यहाँ पे एंगल है सेम यहीं पे एंगल लगा के इसको बनाएंगे एरो, यहाँ पे बन गए, इसके पैरेलल होना चाहिए, यहाँ पे हो गए एंगल पैरेलल और यही एंगल हमारा यहाँ पे था और यही यहाँ पे आ गया। ओके, सेम जितना एंगल यहाँ पे इतना मेजर करके यहाँ पे एक क्रॉस लगाएंगे, पहले एक एंगल बनाएंगे उसमें क्रॉस लगाएंगे जितना एंगल यहाँ पे था। ओके, फिर उसको इससे अटैच, जो यहाँ पे पॉइंट है उसको इससे लेके जाएंगे, मीन्स जो ये एरो होगा वो उसको काटते हुए जाएगा। ओके, तो मीन्स वही ट्राइंगल बन जाएगा जो 1 1 / 2। हर क्वेश्चन में यही हो रहा कि 8 सेंटीमीटर की लाइन है और उस पर ये ट्राइंगल बन। ओके, आइसोसेल ट्राइंगल बनाना था। ओके, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 11.1 का। थैंक्स।